है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ था। 10 सेशन जो भी है, लास्ट सेशन ट्रेन वाले को रिपीट किए थे थोड़ा सा, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम किए थे। ठीक है, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। आपका इसमें पहला सेशन के बारे में हम लोगों ने सामान्य डिस्कस किए थे। ये आपका स्प्रेडशीट, इसमें हमने जो देखा था एडिंग हाइपरलिंक आपके जो कोर्स में जो है इसके लिए। ठीक है, तो एडिंग हाइपरलिंक है, कैसे उसको ऐड करने के लिए स्टेप किए हुए हैं, वीडियो आ रहे हैं। और ये ठीक है, स्टेप्स दिए हैं हम, उसको करेंगे कि कैसे उसको किया जाता है। ठीक, तो सॉरी, इसका सेक्शन हो गया था, क्रिटिकल वाले को हम करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे URL लिखना है आपको, जो भी लिंक है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल दिया गया www.google.com। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका एड्रेस हो गया, URL हो गया, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है लिंक है ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, चेंज आपने URL में आपके ब्राउजर पे खुल जा रहा है। ठीक है, www.google.com। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिंक कहलाएगा, ऑटोमेटिकली उसमें आ जा रहा है। ठीक, अब हमने जैसे देखा है, यहाँ से देखते हैं कि जो भी चीज़ लिखते हैं, तो A1 जो सेक्शन आपका लोकेशन है वहाँ पे लिखते हैं, और जैसे गूगल करता है तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड डिस्प्ले है ना, क्रिएटेड से इस तरीके से दिखाई देता है एड्रेस, और ये क्या आपका फॉर्मूला बार में शो करता है, और जैसे क्लिक करते हैं वो कहाँ चला जाता है, आपका ब्राउजर पे। जैसे हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे कि इसमें पूरा पूरा लिखा ना हो, तो हम उसको कहाँ जाएंगे, हम इंसर्ट और हाइपरलिंक में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भाई पहले तो इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो हाइपरलिंक दिखा, ये हाइपरलिंक। ठीक है, क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा हाइपरलिंक का। एक्चुअली यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एड्रेस, ये छोटा सा ही है, यदि ये बहुत लंबा URL होता तो उसको एडजस्ट करना भी थोड़ा कठिन होता, पूरा शो नहीं कर पाता, यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, इंटरनेट दिखाया गया, क्या चीज़ है ये, वेब एड्रेस है, वेब एड्रेस है टारगेट, मतलब जहाँ पे इसको जाना है उसको हम टारगेट बोलते हैं। ठीक है, टारगेट है, अभी FTP नहीं है, टेलनेट नहीं है, हमारा वेब है। ठीक है, यहाँ से हम ब्राउज कर सकते हैं, जिसको डालना चाहते हैं ये आपके ब्राउजर से चला जाएगा, और उसको यहाँ पे टारगेट पे चेक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं क्लिक, अभी आपको ब्राउजर में जाएगा, www ब्राउजर, ये आया ओपन के लिए परमिशन दे रहे हैं, हम एज में जाते हैं। ठीक है, ये ब्राउजर देख रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे जी मेल। ठीक है, www .gmail.com। ठीक है, एक्यूरेट हो गया, ये वाला सेक्शन हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट वो चीजें हैं। लॉगिन पेज का है, हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रहे हैं, तो वापस आते हैं और यहाँ पे जैसे लिखते हैं तो या पेज भी कर सकते हैं। और टैक्स दिखाई क्या देगा उसको है, नीचे वाले में दिखाई देगा, फ्रेम में तो है, हमको क्या करना है, टैक्स जो दिखाई देता है शो करता है उसको, बाकी तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसके बाद हम यहाँ पे लिखेगा गूगल। ठीक, गूगल का डाल देते हैं, www.google.com। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गूगल अप्लाई करेंगे और
ये क्या हो गया आपका पे सकते, जो टैक्स यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे दिखाएगा, और टारगेट मतलब इसके अंदर में है उसका जो हाइपर लिंक है उसकी बात करता है, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे क्या क्या पूरा यूआरएल लिखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या फेसबुक, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा था जिसको हम आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम जानते ही हैं कि नॉर्मल बोलचाल में या फिर उपयोग में रहता है, इससे एग्जाम्पल अच्छे समझ में आता है, ठीक है। जैसे हाइपरलिंक के लिए फेसबुक, अब यहाँ पे कोई फेसबुक लिखा है लेकिन वहाँ पे कैसे करेंगे, तो फेसबुक ठीक है, टारगेट होगा और टारगेट में जैसे क्या है डब्ल्यू 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 और डॉट कॉम, ठीक है, इसको हम अप्लाई कर देंगे तो वो ठीक आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, आ गया। ये क्या है उसका लोकेशन है, यूआरएल का लोकेशन, वन क्लिक पे इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो जो भी चीजें हैं जैसे हमने यहाँ पे जीमेल का किया, जीमेल लिख के या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट ही कर सकते हैं। सेल सेलेक्टेड है जो जिस सेल पे चाहिए, इंसर्ट और हाइपरलिंक यहाँ पर जैसे लिख दिया क्या डब्ल्यू डॉट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है, और टारगेट लिख दिया जीमेल, ठीक है, आ गया। तो अब जैसे इसको क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक है तो वहां पे माउस रखते साथ इस तरीके से हैंड का सिंबल आएगा, ठीक है, और उसका यूआरएल को कमेंट के रूप में शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे पहुंच जाए, कौन सेक्शन पे, ठीक है, ये आपका लॉगिन हो गया, क्योंकि लॉगिन नहीं है इसके, सकते हैं आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करके पासवर्ड, फिर आगे चल के क्या होगा आपका ईमेल आईडी खुल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या कि इसको मॉडिफाई करना चेंज करना, हम यहाँ पे चेंज कर लिखा है भले ही गूगल, हम उसको क्या क्या कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही इसको करेंगे यहाँ पे इसमें जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ है, लेकिन एड्रेस हम यदि बदल देंगे तो दूसरा चीज खुलेगा, भले ही वहां पे फेस कुछ भी रहे। जैसे ठीक है, डॉट ये डाल दिया मैंने, अप्लाई किया, ठीक है, किसमें डाला है जीमेल में, और एक्सपोर्ट कर दिया और क्लिक करता हूँ। ठीक बदल गया, आप क्लिक करते हैं, लिखा क्या था जी मेल, लेकिन तू कह रहा है सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन, ये आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड का वेबसाइट है, ठीक है। तो क्या समझे कि उसका जो टारगेट है वो मेन है, टारगेट यहाँ पे जो लिखा है वो तो फेस है, टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में है। यदि हम टारगेट को सही यूआरएल नहीं डालें तो दूसरी जगह जा सकते हैं, जो जो डाला लाएगा यूआरएल वहीं पे वो टारगेट करेगा, वहीं पे वो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, ठीक, आगे देखते हैं इसमें हम एग्जिस्टिंग क्या बोलता है कि क्रिएटिंग हाइपर लिंक टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताया कि टारगेट इंसर्ट करना है और क्या है न्यू ब्लैंक वर्कशीट खोलना है, प्लेस क्या कर्सर को एक जगह करते हैं जहाँ पे भी आपको चाहिए अपन वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या करें इंसर्ट करेंगे किसमें डॉक्यूमेंट वाले में, ये ऑप्शन दिया है इंटरनेट के लिए, क्या हो गया आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आगे डालना है कि पाथ देना है उसको,
ठीक है, सेलेक्ट के डॉक्यूमेंट और उसका ब्राउज करके उस फाइल का पाथ तक ओपन करें, ठीक है। फिर क्या किया है आपको, जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट का पाथ मिल जाएगा आप उसमें क्या करोगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब फिर उसके बाद जब भी आप डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे आपको वो चीज़ दिखाई देगा, ठीक है, जो फाइल के टारगेट पे। चलिए हम देखते हैं, जैसे हम इसके शीट टू पे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, इंसर्ट किया A2 पे, है ना, और हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक में इंटरनेट वाला नहीं चाहिए, वेब ब्राउजर नहीं चाहिए, मैं क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया। अब मेरे को पाथ, पाथ ही यहाँ पे URL की तरह ही है, ठीक है, URL का इंटरनेट का ही है। यहाँ पे पाथ कहाँ पे, वो सिस्टम पे आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है उसके बारे में यहाँ क्लिक करके बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने लास्टिंग आर्टिकल के बारे में देखा था, ठीक है, देखे थे ना, रिव्यू करना आर्टिकल, तो हम उसको जैसे यहाँ पे रिसेंटली इसको दिखाया गया है। इसका एड्रेस क्या है, सी ड्राइव, यूजर, रिव्यूअर फोल्डर, उसके अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर, उसके अंदर क्या है, आर्टिकल OGT दिया हुआ है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं ब्राउज करके, सीधा इसका ब्राउजर खुलेगा, ठीक है, ये खुला और जो भी चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी, ठीक है। फाइल दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें तो वो खुल जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पे रिव्यू को दे दिया मैंने और इसको मैं क्लिक कर दूंगा। चूंकि अभी हम एक्सेल में खोले हैं तो वो डॉक्यूमेंट को लिंक करेगा। दूसरा कर देता हूँ, इसे ये PDF फाइल को सेलेक्ट कर दिया और उसको ओपन कर, ठीक है, ये जो सब टारगेट हो गया। अब देखो ये जो पाथ है वही यहाँ पे क्या दिया है, टारगेट पे आ गया। फाइल क्या दिया है, फाइल यहाँ पे स्लैश 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 दिया, मतलब उसका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अंदर क्या है, सी ड्राइव, ये इसका रूट फाइल है ना, रूट मतलब मुख्य फाइल है, वहाँ से लेके आएगा, ठीक है, टारगेट इन डॉक्यूमेंट के लिए। अब यहाँ पे जो नाम देना चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है फाइल का नाम, COVID-19 लिखे मैं, COVID-19, ठीक, और अप्लाई, ठीक है। अच्छा टारगेट में किया गया और ये क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, COVID-19 FAQ, मतलब जो फैक्टर है आंसर क्वेश्चन जो थी है उसके बारे में, ठीक है। जैसे ही माउस जाता है आपको कमेंट में दिखाता है पॉपअप में कि वो फाइल का लोकेशन क्या है, जैसे क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन होगी, ठीक है। ये PDF फाइल है जो आपके ब्राउजर खुल रहा है, लोड हुआ, अभी आ गया, ठीक है। इस तरीके से फाइल को हम डाल सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैं भी डालता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोला कि बुक का एग्जाम्पल, ठीक है, बुक लिस्ट, बुक लिस्ट किया और उसमें किया वर्ड प्लस 12 वर्ड, ठीक है, और इसको वहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे फोर्थ है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया रिवर्ट के लिए, ठीक, और इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, ये पाथ तो आ गया। अब खैर मंगा ना कुछ कौन मंगा गाना गा रहा है, दीपांकर, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे लिखना चाहते हैं तो क्लास वर्ड प्रोसेसिंग या फिर IT 402 3 402 में, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग,
वर्ड बस लिखिए और अप्लाई करें। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं चीजें, क्योंकि वो अभी इंसर्ट हुआ, खुल गया। ठीक, ये फाइल आपका वर्ड वाला फाइल है, वो खुल गया क्योंकि क्लिक हो गया। तो ठीक है, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं चीजों को। ठीक, इसी तरह का हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाथ जो है IT4028402 स्टेट से। और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं उसका पाथ क्या चीजें रहेगी, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट है और ओपन। ठीक है, इसके अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, स्प्रेडशीट हो गया। जैसे क्लिक करेंगे उसका लोकेशन पे जंप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि ये क्या होता है, कि डॉक्यूमेंट को कैसे लिंक करना। ठीक है, एक चीज और है इसमें जी। कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, तो डॉक्यूमेंट हो गया आपका फाइल है, उसके बाद टारगेट इन डॉक्यूमेंट, टारगेट इन उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा जगह में जाना है उसके लिए ये टारगेट है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक, और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और स्प्रेडशीट ही सेलेक्ट। ठीक, ये सेलेक्ट, ये वाला खुलेगा, सेम इसमें खुलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें इसको और अंदर जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लिक किए, उस फाइल को खोलने के लिए रहेगा ये। ठीक है, इस फाइल को खोलने के बाद उसे कंटेंट दिखाएगा आउटलुक पे, कहाँ कहाँ हमको जाना। जैसे हमने चैप्टर अभी क्या कौन सा पढ़ रहे हैं, वन पढ़ रहा है, सेशन वन पढ़ रहा है, हमें किसी दूसरे सेशन पे जाना होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर पेज पे जाना होगा उसके लिए सब चीजें रहेंगी। नोट रिस्पॉन्डिंग आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। मोबाइल तो नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, तो अगला जो ऑप्शन आने वाला है इसमें, ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या हो गया, हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहला तो है इंटरनेट वाला था, ठीक है, जब तक नहीं आते तब तक रिवाइज कर ले रहे हैं, कि इंटरनेट वाले में आपको वेब जो एड्रेस है, यूआरएल है, उसको हम लोग लेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो वो वेब एड्रेस में चला जाएगा, आपके ब्राउजर से वो खुल जाएगा। ठीक है, वहां पे हम जाके कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कि हमें कैसे दिखना है वो टेक्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका, ये जो मेल और न्यू दिया है, ये ईमेल के लिए रहता है, ईमेल एड्रेस है उसके लिए है ये। ठीक है, इसको कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है आपकी सिस्टम पे जो है उसको लिंक करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट, जिसमें दो ऑप्शन है, कि एक तो आप फाइल को ही कर सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करने पर फाइल खुलेगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि फाइल खुलेगा उसका कौन सा लोकेशन है, तो बोलते हैं उसको टारगेट इन डॉक्यूमेंट, वो स्पेसिफिक चीजें पे पहुंच जाएगा। जैसे हम लोग स्प्रेडशीट सेलेक्ट किए हैं और तो खुलेगा क्या, पहले पेज से खुलेगा। ठीक है, लेकिन ये स्प्रेडशीट खोलने के बाद टारगेट इन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, हम लोग सेशन 10 कर देते हैं, सेशन 5 कर देते हैं, तो वो उसको डॉक्यूमेंट खोलेगा भी और उस सेशन पे जाके रुकेगा। ठीक है, जहाँ पे हम टारगेट किए हैं, तो डॉक्यूमेंट टारगेट इन डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो दिया हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट मतलब नया डॉक्यूमेंट। तो इस पे आपको ब्राउज का बताना रहेगा कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट आप इसको ओपन कर रहे हो, वो व्हाट फाइल है कि पीडीएफ है कि क्या है। तो सब कुछ नया, कोई भी चीज किसी भी एप्लीकेशन हो उसका नया फाइल, जो कि हम एप्लीकेशन खोलते हैं तो Ctrl+N दबाते हैं न्यू फाइल की, या फिर फाइल मेन्यू जाके न्यू करते हैं, तो जो खुलता है ब्लैंक वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एकदम नया है, और जब वो खुलेगा तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत लंबा समय ले रहा है, तो करते रखेंगे आप। इसे क्लोज कर रहा हूँ। Not responding to the program. ओपन कर रहे हैं फिर से। हाँ, सर, यस, ठीक है, ये वाला हो गया ना, करने के टारगेट वाला। हम न्यू पे जाते हैं अभी, इसमें क्लोज कर देते हैं, एक्सेल ही ओपन करते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे गए, हाइपरलिंक क्लिक किए, और यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट करें। न्यू डॉक्यूमेंट क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड का फाइल खुलेगा। ठीक है, सेलेक्ट कर दिए इसको, या फिर फाइल का नाम है न्यू डॉक्यूमेंट, सेशन 1, या फिर सेशन 1 और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, और इसमें नाम देना चाहते हैं आप एडिंग हाइपरलिंक। ठीक है, इतना लिखें और अप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, आपको डॉक्यूमेंट मिला, क्लोज किए, ये फाइल खुला हुआ है। ये देखो क्या नाम था आया, सेशन 1 ODT, ODT मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। यहाँ पे नया फाइल एक खुल गया, ये है टेक्स्ट ODT। ठीक है, पिछले वाले से यह है, ये फाइल खुला। वैसे यदि मैं एडिंग हाइपरलिंक जो लिखे हैं वही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए सेशन 2 कर दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट एडिंग एक्सेल स्प्रेडशीट लिख देता हूँ। स्प्रेडशीट लिखा और अप्लाई किया। ठीक है, ये क्योंकि हम लोग अभी वर्ड पे खुला हुआ था, इसलिए यहीं पे हाइपरलिंक ऐड हो गया। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे वहां पे जाएंगे, आपके यहाँ पे दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, सेशन 1 एडिंग स्प्रेडशीट, ये गलत डल गया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और एडिट है, यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक है, एडिट हाइपरलिंक है, ओपन हाइपरलिंक, तो क्लिक करने पे तो ओपन हाइपरलिंक हो जाता है, एडिट हाइपरलिंक करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर कॉपी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडिट करते हैं, देखो यहाँ पे स्प्रेडशीट है, और ये किस टाइप के चीज़ें दिया गया है डॉक्यूमेंट को, लोकेशन यहाँ पे पाथ दिखा रहा है डॉक्यूमेंट का, क्योंकि न्यू फाइल खुल गया है। अब किस में आ गया, हमने क्या बनाया था, इसको न्यू से बनाया था,
लेकिन अब किसमें दिखा रहा है, इसमें, क्योंकि ये फाइल बन चुकी है, इसे क्या हो गया, एग्जिस्टिंग फाइल बन गई, ठीक है। तो हम इसको डालना था ओडीपी फाइल, वो बन चुकी है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको लिख सकते हैं एडिंग न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि स्प्रेडशीट तो नहीं है, है क्या, ओडीटी लिखा है ना, स्प्रेडशीट नहीं है, अप्लाई करेंगे और ये हो गया क्लोज, क्लिक करेंगे वो उसका एड्रेस दिखाएगा। ये फाइल खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, इसलिए फिर से नहीं खुल पा रही, ठीक है। क्लोज किया इसको, इसको भी क्लोज किए, डिस्कार्ड करना है, चेंज किया उसको, हम कहते हैं कि बोला रहा है कि ओडीटी सेशन वन ओडीटी जो है उसको हैज बीन मॉडिफाइड, वी वांट टू सेव चेंज, हमें इसे चेंज करना है क्या, हाँ, क्योंकि तो यहाँ पहले स्प्रेडशीट था, अब क्या है, न्यू अटैच डॉक्यूमेंट, हम इसको यस कर देते हैं और वो सेव करके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या था, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ओटीपी वाला दिखा दिया है हाइपरलिंक के लिए, यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, हम दूसरा भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, एक बार मैं प्रेजेंटेशन वाले को डाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और हाइपरलिंक, और यहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और क्या चाहिए मेरे को, प्रेजेंटेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखता न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है, और ये अप्लाई कर रहा हूँ, क्या होता है, नॉट, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो ऊपर में जो फाइल खुली है, यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और इसी नाम से वो फाइल बनी है, न्यू प्रेजेंटेशन ODS, ठीक है। हालांकि हमने उसको फाइल को चेंज करना भूल गए, ये एक्सेल ही बना है, ठीक है, ODS, ये स्प्रेडशीट सेलेक्ट हुआ था न्यू प्रेजेंटेशन, इसलिए ऐसा हुआ है, हम यदि इसी को सेलेक्ट कर देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो इसी नाम से एक और फाइल बन जाएगी, यहाँ पे करते हैं बीच में ना करके, ठीक है। ये आप टाइटल देखिएगा, बदल जाएगा इसका, ठीक, ये आपका ODS है, नीचे में आया सेलेक्ट हुआ है, और ये फाइल यहाँ पे खुला हुआ है, न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करना रहेगा, ये वाला तो एडिट कर सकते हैं, ये लिंक को चेंज करने के लिए, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। एडिट कर लिया, ये वाला सेलेक्टेड है, और क्लिक हो गया, ठीक है, ODS के लिए जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे चीजें याद रखिएगा, ये जो है फाइल बनेगा, ठीक है, फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट जो नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका नाम देना रहेगा, दूसरा वो किस प्रकार का फाइल है वो बताना रहेगा, ठीक है। नीचे जो है वो ये जो टेक्स्ट है वो है जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा, जो शो करेगा उसका, ठीक
ठीक है, फाइल का नाम अलग है जिस नाम से फाइल बनेगा, और यहाँ पे जो शो करेगा उसकी बात। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में किया था क्या कि www.google.com, तो ये क्या है, यूआरएल है, वो लिखा रहेगा। और टेक्स्ट में क्या होगा, हम सिर्फ गूगल बस लिख रहे थे या फिर जी मेल लिख रहे थे या फिर फेसबुक लिख रहे हैं। ये टेक्स्ट क्या होगा, उसका फेस नेम है जो वो दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये एक्चुअल फाइल नेम यहाँ पे रहेगा, और ये उसका एक्सटेंशन मतलब किस टाइप का फाइल है उसको बताएगा। अप्लाई करेंगे तो वो ओपन नया फाइल, ठीक है। और एक बार बन गया तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। वैसे यदि हम ईमेल वाले पे जाते हैं, ठीक है, तो देखो ईमेल में क्या क्या चीज़ होती है, रिसीवर होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आप जैसे बता रहे रिसीवर का नंबर यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस, जैसे मैं अपने डालता हूँ जैसे gavi.ur@gmail, ये क्या हो गया मेरा रिसीवर हो गया, ठीक है। सेंडर के लिए जैसे सब्जेक्ट कैसा है, टेस्टिंग या फिर टाइप अप लिंक ईमेल टेस्टिंग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, मेल ईमेल, ठीक है, सब्जेक्ट टेस्टिंग हो गया। और यहाँ चाहे तो हम कहाँ से हैं, डेटा सोर्स से ले सकते हैं नाम, या हम पहले वर्ड में भी किए हैं कि डेटा सोर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, कि एक जो एड्रेस बुक है उसका यूज कर सकते हैं, वहाँ पे इन आईडी होगा तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एड्रेस बुक दिखा रहे हैं का, ये सब डेटा बेस का है, ठीक है, तो वहाँ से हम उठा सकते हैं, एक से मल्टीपल चीज़ों को ले लेंगे, ठीक है। तो हम कभी नहीं करते हैं और ये अप्लाई कर देंगे और ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो देखो क्या दिखाता है, क्लिक हुआ ईमेल के लिए दिखा रहा है कि ईमेल के क्लिक, ये दिखाई दे रहा है जो डायलॉग बॉक्स आया है, ठीक है। ईमेल में जाना है तो नहीं कर सकते हैं, सर नहीं दिख रहा। अच्छा ये शेयर लिख हुआ है, जैसे ये यहाँ पे डायरेक्ट जंप किया, मैनेज पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है कि किस में खोलना है, तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से खुला हुआ है कि ईमेल करना है तो ईमेल के एप्लीकेशन के माध्यम से जाएगा, तो हमारे सिस्टम में जैसे इंस्टॉल रहेगा, जैसे आउटलुक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपन ऑफिस का ऐप के थ्रू हो गया, या फिर गूगल को क्या याहू को हो गया, तो जिसके माध्यम से आप ईमेल करना चाहते हैं। जैसे मैंने उसमें क्या डाला है, ईमेल में ईमेल आईडी डाला हुआ है, तो मेल करना है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, तो सेंड कैसे जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमको इसको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। हमें अभी इसको करना नहीं है, आपके सिस्टम में पूरा इंस्टॉल रहेगा, सब चीज़ें अपडेटेड रहेगा, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, ब्राउजर या एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ये आपका ये प्रेजेंटेशन को दिखाया गया है ब्राउजिंग कंपनी का, तो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडिटिंग डॉक्यूमेंट आफ्टर लिंकिंग, उसको एडिट करने के लिए, तो वो भी हम लोग किया, ठीक है। सेलेक्ट सेल के कलर है और हाइपरलिंक क्लिक, हाइपरलिंक एडिट का डॉक्यूमेंट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे क्रिएटिंग कस्टम हेल्पलाइन यूज, जो फंक्शन को जो यूज है उसको करेंगे। यहाँ तक एडिट हो गया, बाकी चीज़ें ठीक है, तो अगले क्लास में हम ये फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें ये हो गया टारगेट का, जी सर।
प्रोग्राम जो दिया है एक्सेल जो दिया है वो हर तरीके से। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है सीट को कंटेंट कनेक्ट करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को करने के लिए, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे ज़्यादा अच्छा है, इसका अपलोड हो जाएगा। जी सर। ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ मैं।